दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव और आज यहाँ पे सिखाऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आईएएस में जो परसों के पेपर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों इस बार चालू करेंगे यूनिट 4 से, तो यूनिट 4 में कौन से क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ इन एजुकेशन एनर्जी, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। लेकिन मेरा मन ये बोलता है कि इस बार 15 मार्क के फुल क्वेश्चन के जगह पे 7 और 8 मार्क के, बिकॉज लास्ट के 2 ईयर में थोड़ा सा ट्रेंड उसके हिसाब से चल रहा है। तो बड़े क्वेश्चन तो आपको करने ही करने, जो मैं बोलूँ वो क्वेश्चन तो आपको लर्न करने ही करने, लेकिन साथ में छोटे छोटे शॉर्ट नोट में भी वो लोग कॉर्नरिंग थोड़ा सा कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पहले लर्न करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे भी कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्ट। अब ये कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट दूसरे 2-3 एग्जाम में ऐसे ही 7-7 मार्क के आए हैं, 7 मार्क 8 मार्क, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। तो थोड़ा सा सेफ साइड के लिए अब ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर एजुकेशन और हेल्थ वाला क्वेश्चन है, ये 5 में से 4 बार आया हुआ है, तो यार ये वाला क्वेश्चन आपको करना ही है। नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन 1 बार आया हुआ है। हेल्थ इंडिकेटर तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में था, वही वाला है, लेकिन अलग नाम से भी उसको यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। तो ऐसे यहाँ पे आपको ये देखना है। अब चलते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 के अंदर कौन सा आ जाएगा भाई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्विस सेक्टर, ये वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, ये 2 बार आया हुआ है। प्राइमरी सेक्टर, ये बहुत बार आया हुआ है। तो डिफाइन प्राइमरी सेक्टर विद द हेल्प ऑफ डेटा, एक्सप्लेन एरिया प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड नॉन फूड आइटम। तो दोस्तों प्राइमरी सेक्टर इज अ मस्ट डू क्वेश्चन सबसे पहले यूनिट 3 में, उसके बाद वो आगे वाले 2 क्वेश्चन करना। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाता है एक्सप्लेन द प्राइमरी या सेकेंडरी टर्शियरी, 1 बार आया हुआ है। इंटरलिंक भी आ सकता है, लेकिन आया हुआ है 2 बार आया हुआ है, तो मैंने उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे यूनिट 2, और यूनिट 2 के अंदर चलते हैं दोस्तों थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, 5 में से 5 बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन आप इग्नोर मत करना, ये पहले लर्न करना। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन रेप्लिका आएंगे, बट द चांसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डन बाय माय सर्वे, ये इट्स वेरी हाई कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे। वेरिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यार जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो सबसे पहले आप कर लेना, इसने ही क्वेश्चन करने ऐसे नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी गैप रेशियो। देखो बहुत सारी चीजें उन्होंने एक एक बार या दो दो बार पूछी हुई है, वो सारी चीजें भी मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर ली है, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच यू शुड नेवर इग्नोर। अब हेड काउंट रेशियो हो गया, पॉवर्टी गैप हो गया, उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेट ऑफ लेबर फोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यूपीएस सीडीएस कैजुअल डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाला क्वेश्चन भी 1 बार आया हुआ है, तो प्लीज उसको इग्नोर मत कीजिएगा। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था कि भाई वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी डिस्गाइज वाला, वो भी 1 बार कर लेना, बिकॉज वो 2.5 मार्क के अंदर वो लोग पूछ लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेमोग्राफिक डिविडन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन, ये 1 बार पूछा हुआ है। पॉवर्टी गैप पॉवर्टी लाइन भी पूछा हुआ है। एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे आया हुआ है, और अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस ऑप्शनल में जाएंगे, पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड करने के बाद। सी पॉइंट क्या है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कर लो, पॉइंट क्या है प्राइमरी सेक्टर कर लो, थर्ड पॉइंट कौन सा है डेमोग्राफिक डिविडेंड कर लो, फिर जो फोर्थ वाला बोलता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ये 4 क्वेश्चन अगर आपने एक साथ कर लिए तो यार सिलेबस पूरा हो गया। इतना करके आप सो जाओ, और कल जो है वो और वाले क्वेश्चंस लो, शाम तक पूरा बना दो, और शाम को आप जब उसको देखने जाओगे तो यार आपका सिलेबस सेकंड नहीं हो चुका होगा, तो वो बड़ा फायदा हो जाता है। तो एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी भी आता है, हालांकि ये सारे क्वेश्चन 5-5 मार्क में आए हुए हैं और 1-2 बार ही पूछे हुए हैं। अब यूनिट 1 के अंदर ये वाला क्वेश्चन है डेवलपिंग इकोनॉमिक वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चन 2 बार से पूछा हुआ है, 2 टाइप से पूछा हुआ है। पहला पूरा क्वेश्चन 15 मार्क का दिया हुआ है, और दूसरा उसके अंदर से 4 कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि भाई पॉपुलेशन है या तो पॉवर्टी है, ऐसे कोई भी 4 टॉपिक लेके उन्होंने 15 मार्क का बोला है उसमें से कोई भी 3 करो। हमको तो ये क्वेश्चन करना ही है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज मेंट बाय इंटरनेशनल ट्रेड, मैंने फॉरेन ट्रेड लिखा हुआ है, बिकॉज एक एग्जाम में इंटरनेशनल ट्रेड लिखा था, बाकी की सारी एग्जाम में फॉरेन ट्रेड आया था। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आपको मेरी कसम में आपको करना ही करना है, नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं, मतलब मेरे को कुछ नहीं होगा, लेकिन बस ये करना ही करना है, इतना IMP क्वेश्चन है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन 3 सेक्टर जो था
फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज ये क्वेश्चन भी आया था, तो वो क्वेश्चन भी एडवाइजेबल है कर लेना। इससे पहले सिर्फ एक बात कि भाई ओजा अंडरस्कोर प्रणव ये मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, जो भी आपका डाउट्स है वो डाउट्स मुझे इंस्टाग्राम पे पूछना, और जिन जिन लोगों ने भी इसको शेयर किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।